हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीवीएन ई लर्निंग क्लास। आई होप यू विल बी बेटर एट योर होम। स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑफ फिफ्थ चैप्टर पंचायती राज। प्रीवियस डे आई हैव डन मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट, यू टेक योर स्टडी सीरियसली, यू डोंट अवॉइड योर स्टडी। टुडे डेट इज 30 जुलाई 2020, डे थर्सडे। लेट मी स्टार्ट दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर फिफ्थ। इसमें अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको आज कंप्लीट नहीं करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट, इसमें एक हरदास गांव के लोगों की समस्याएं हैं। वो उन जो ग्राम सभा हुई थी उसके अंदर उन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी, और ग्राम सभा के अंदर पंचायत ने उनकी समस्या के बारे में कुछ निर्णय लिए हैं, और उनके लिए कुछ सुविधा करने का भी निर्णय लिया गया है। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हरदास गांव के लोग किन किन समस्या का सामना कर रहे थे, और उन्होंने अपनी समस्या सुलझाने के लिए क्या किया? तो आंसर, हरदास गांव के लोग पानी की समस्या का सामना कर रहे थे, क्योंकि जो हैडपम्प था उनका पानी ज़मीन से काफ़ी नीचे जा रहा था। औरतों को पानी की समस्या हो रही थी, तो पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाती थी, और वहाँ पर जो सुरू नदी है वहाँ से वो पानी लेकर आती थी। हरदास गांव के लोगों की दूसरी समस्या यह भी थी कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची में भी गड़बड़ी थी। जिन लोगों को वास्तविक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो गरीबी रेखा के नीचे, उनका नाम नहीं था। आगे स्टूडेंट, हरदास गांव की ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया, बैठक लगाई गई, और इस बैठक में समस्या के समाधान हेतु निर्णय भी लिए गए। इसी साल के लिए तो वहाँ ये कह दिया गया कि हैडपम्प को और ज़्यादा गहरे कर दिए जाएंगे, कुओं की सफाई कर दी जाएगी, और एक जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जो खंड विकास अधिकारी था उसने इस पे विचार किया कि इस पर भी विचार किया जाएगा। और उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की एक सूची बनाई थी, उसे भी उसमें कुछ सुधार करने के लिए भी निर्णय लिया गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट आपके विचार में जो ग्राम सभा है उसका क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? स्टूडेंट, हमने चैप्टर भी पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना जो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्क है, चाहे वो स्त्री या महिला है, ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से भी रोकती है। ग्राम सभा इस बात की भी निगरानी रखती है कि कहीं पैसों का दुरुपयोग न हो। जो पैसे लोगों की सुविधाएं के लिए आए, कहीं उनका गलत इस्तेमाल ना हो, गलत कार्य में ना लगे। ग्राम सभा की बैठकों में सभी लोगों को भाग लेना चाहिए। यदि ग्राम सभा की बैठक में सभी लोग भाग लेंगे, तो समस्याओं के हल के बारे में अच्छे से विचार किया जा सकेगा, और विकास की जो योजनाएं होगी स्टूडेंट, उनको लागू करते समय किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, ग्राम सभा में उस क्षेत्र के, उस गाँव के रहने वाले वयस्क लोग जुड़ते हैं, उसमें शामिल होते हैं, ताकि ग्राम सभा के अंदर वो अपनी समस्याएं रख सके। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, हमारा खामी गांव है, इसके अंदर अगर किसी भी तरह की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, सड़कें टूटी फूटी है, और भी है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, वहाँ के लोग मिलकर खामी की जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम सभा होती है, उसमें अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने क्षेत्र और अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए, और उसके बारे में
निम्नलिखित बातें पता कीजिए। तो स्टूडेंट अपने कोई भी क्षेत्र के आप बता सकते हो। इसमें देखते हम, इसमें तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, तीन सवाल पूछे गए हैं और हमें तीनों का आंसर देना है। क्वेश्चन है इसमें हमारा, यह काम क्यों किया गया। दूसरा है, पैसा कहाँ से आया। तीसरा है, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हम जानेंगे स्टूडेंट। पहले हम फर्स्ट का जानते हैं, ये काम क्यों किया गया। मेरा गांव सुखदासपुर में ग्राम पंचायत के द्वारा एक सामुदायिक भवन और एक वाचनालय बनाया गया। सामुदायिक भवन वो होता है स्टूडेंट जहाँ पर सभी लोग शामिल हो सके किसी भी कार्यक्रम के लिए, और वाचनालय कि गांव के व्यस्क लोग या गांव की पंचायत जहाँ पर बैठकर बातचीत कर सके, और गांव में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों और समाचार पत्र इत्यादि पढ़ने के लिए कोई भी सामुदायिक भवन न होने के कारण। लोगों को बड़ी समस्या आई। तो सुखदासपुर गांव में क्या बनाया गया, एक सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र और वाचनालय जहां पर लोग बैठकर बातचीत कर सके और किसी भी समस्या को सुलझा सके, और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में लोग वहां पर सभा का आयोजन कर सके। जैसे आप अपने गांव के अंदर देखते हो, चौपाल होती है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े सार्वजनिक भवन होते हैं, पंचायत घर होते हैं जहाँ पर सभी शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था कि आय कहाँ से आएगी। तो इस काम पर कुल 5 लाख रुपए का खर्चा लगा, जिसमें 2 लाख रुपए अनुदान सरकार ने दिया है, 2 लाख रुपए की राशि एकत्रित की गई और 1 लाख रुपया पंचायत ने अपने कोष, जो उसका खर्चा आता है सरकार जो भेजती है लोगों को कार्य करने के लिए, तो उसमें से लगाया गया। इस तरह आय जुटी। अगला क्वेश्चन का आंसर है, काम नियमित समय पर पूरा हो गया और एक भव्य समारोह में राज्य के पंचायत मंत्री ने इस भवन का लोकार्पण किया, इसका उद्घाटन किया। स्टूडेंट दैट्स इनफ फॉर द डे। आगे का काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यू सेफ। थैंक यू स्टूडेंट।